अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये देखें जी, हमने भी थोड़ा सा ट्राई किया है ये ग्रीन चारा बनाने के लिए। तो ये देखें, ये बिल्कुल अभी हम ये मुर्गियों को डालेंगे और दिखाते हैं आपको कि ये किस तरह खाती हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह कैसे खा रही हैं ये मुर्गियाँ। ये हमने भी ट्राई किया था जी, घास गंदम से बनाया है और माशाल्लाह ये देखें कैसे खा रही हैं। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह ये देखें, ये हमने ये आस्ट्रालोक और ये देसी मिस्री मुर्गियाँ रखी हुई हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, इनके लिए ये बनाया था थोड़ा सा ट्राई के लिए। तो ये देखें कैसे ये खा रही हैं जी, ज़बरदस्त किस्म का। माशाल्लाह, ये इनको देसी माहौल दिया हुआ है, ये बिल्कुल खुली है। ये देखें, ये यहाँ से दरवाज़ा भी खुला हुआ और यहाँ से बाहर निकल के तो ये यहाँ घूमती हैं बाहर। अभी जब ये इनका खाना ख़त्म हो जाएगा तो ये दोबारा बाहर आ जाएंगे। ये देखें कैसे खा रही हैं जी। माशाल्लाह जी, ये देखें कैसे सफाया कर दिया इन्होंने। ये थोड़ी सी रह गई, अभी खा रही हैं बिल्कुल। ये देखें चट कर दिया इन्होंने, बड़ी खुशी से खाती हैं ये मुर्गियाँ। माशाल्लाह जी, ये मुर्गियाँ हमारी अभी बिल्कुल तैयार हैं अंडों के लिए। इनको 5 महीने से ऊपर हो गए हैं, तो ये अभी 1-2 हफ्ते में इन्होंने अंडे देने शुरू कर देने हैं जी। इनको जी बिल्कुल खुला माहौल दिया हुआ है यहाँ। ये देखें तालाब पानी का बना हुआ है, घास भी लगी हुई है। ये देखें डक्स मज़े कर रहे हैं जी यहाँ पे। ये बहुत खुली जगह है यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने चकोर वगैरह भी रखी हुई हैं। अगर किसी बाइक को चाहिए तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। हमने असील वगैरह भी रखे हुए हैं जी। ये देखें माशाल्लाह, ये चकोर हैं। ये देखें ये देखें, ये मिक्स हैं जी, चिकोर्स में हैं और इसके साथ ये अंदर आस्ट्रल लोक वगैरह भी हैं। ये सारे खुले यहाँ मिक्स घूम रहे हैं जी। ना